हाय गाइस, सो वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। तो जैसे कि आज आप लोगों का काफी लोगों का एसएससी सीजीएल टीयर वन एग्जाम हुआ होगा, तो हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस आज दिन एग्जाम। जो भी हम लोग को जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस बच्चों से मिले हैं, जो भी एग्जाम में आए हैं, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी जब मैं आपको ये जीए क्वेश्चंस बताऊंगी, तो यहाँ पे मैंने जितने भी आप लोग के लिए लाइव सेशन लिए थे और जो भी सेशंस डाले थे जीए से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन यू कैन सी कि 95% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उससे। ओके, सो डू वॉच दिस। जिस जिसका एग्जाम है उसको काफी हेल्प मिलने वाली है इस सेशन से। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ये सेशन। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन आपका ये आया था। तो करंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े जो है वो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हम लोगों ने बहुत बार हिस्ट्री में एमसीक्यूज में डिस्कस करा है। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, राइटर ऑफ बुक एरा ऑफ डार्कनेस कौन है? शशि थरूर। एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को आपको पता भी है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला है 2019 का, राइट? तो और साथ ही साथ एक क्वेश्चन साहित्य अकेडमी अवार्ड पे भी आया था जिसका आंसर शायद शशि थरूर था। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ यही था कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनमें से किसने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पद्मश्री अवार्ड इन आर्चरी। पद्मश्री आर्चरी में किसे मिला है? देन दैट इज दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी को मिला है। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ये भी हमने डिस्कस करा है, गोताबेय राजपक्षा। ठीक है, गोताबेय राजपक्षा जो है वो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, मतलब राष्ट्रपति। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हमने बहुत बार डिस्कस करा है, अमरिंदर सिंह, ही इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के अभी मुख्यमंत्री हैं वो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये हमने हाल ही में रिसेंटली एक सेशन मैंने लिया था उसमें डिस्कस करा है कि ड्राई आइस को क्या बोला जाता है। तो ड्राई आइस को बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, मिशन मंगल लीड एक्ट्रेस, जो मिशन मंगल मूवी आई थी उसकी लीड एक्ट्रेस कौन है, ये भी हमने डिस्कस करा है, तो वो है विद्या बालन। हम्पी इज लोकेटेड इन, जो हम्पी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। एक्विजिशन ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स, जो 21st सेंचुरी फॉक्स है उसका एक्विजिशन किसने करा था? तो वो करा था डिज्नी ने। ठीक है, देन सुल्तान काबूस बिन सायद हु डाइड ऑन 10 जन 2020 बिलोंग्स टू विच कंट्री? सुल्तान काबूस बिन सायद जिनकी डेथ हो गई थी 10 जनवरी 2020 में, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से थे? तो ही इज फ्रॉम ओमान। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का WFP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है रोम, जो कि इटली में है। अराकू वैली कहाँ पे लोकेटेड है? वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इफ यू कैन सी, तो इनमें से हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेशंस में कवर अप करें, सारे क्वेश्चन। तो जिस जिसने वो सेशन अच्छे से देखे होंगे, आई एम श्योर डेफिनेटली उस इंसान ने यहाँ पे 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे आज एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, सावित्रीबाई फुले वॉज बॉर्न इन, सावित्रीबाई फुले जो थी वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? जेम्स चैडविक। ठीक है, वल्लवनंद द किंगडम ऑफ वेलातिरी वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो है केरला में सिचुएटेड। ठीक है, साइट ऑफ सांची कब डिस्कवर की थी? 1818 में जनरल टेलर ने डिस्कवर की थी द साइट ऑफ सांची। करतारपुर कॉरिडोर वॉज इनॉग्रेटेड बाई, ये भी हमने करा था कि करतारपुर कॉरिडोर किसने इनॉग्रेट करा? वो करा नरेंद्र मोदी, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने करा। सर थॉमस रॉय वॉज सेंट एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ वेयर, सर थॉमस रॉय जो होते हैं उनको एम्बेसडर भेजा गया था किस कोर्ट में? टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करते हैं RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चन, अभी भी जिनके एग्जाम है, सो आई एम टेलिंग यू कि ये सारे क्वेश्चन आप चले जाइए हमारे जितने भी हिस्ट्री साइंस और इन सब के जितने भी सेशन पढ़े हमारे चैनल पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज, कोई टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स भी है, आपका हिस्ट्री भी है, देन आपका जनरल साइंस भी है। ठीक है, तो आपको सारे सेशन मिलेंगे। सो मेरा सिर्फ यही एडवाइस है, जिनका भी एग्जाम रह गया है तो स्कोर गुड मार्क्स, जस्ट गो थ्रू दोज सेशंस, उन सेशंस पे जाइए। ठीक है, और हमें जैसे ही
आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के या बाकी सेक्शंस के, जैसे जैसे हमें मेमोरी बेस मिलेंगे वैसे वैसे यहाँ पे मैं आपके लिए पोस्ट करती रहूंगी. ओके, सो जस्ट बी हियर. आप चेक करते रहिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत, मतलब जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे. सो लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनके एग्जाम्स हैं अभी, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपने अभी तक नहीं करा है देन सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. ठीक है, तो बाकी एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिन लोग का एग्जाम रह गया है, जिनका भी अभी टीयर वन होने को रह गया है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पीपल. और जिनका एग्जाम हो चुका है, जस्ट डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, अपना आप टीयर टू की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए.